फोकस 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 ये महीनों 2000 years later. Hi guys, welcome and welcome back to my channel. बहुत 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 दिनों बाद ये लाइन बोली है. मतलब आई गेस 2 महीने हो गए, कोई वीडियो नहीं थी, कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी. और फिर जब टाइम मिलता था तो सच में बिल्कुल उस टाइम ना ऐसा फ्रस्ट्रेट होती थी कि नहीं बना पा रही थी. बट या अब कंटिन्यू रहूँगी एंड मतलब थोड़ा मैनेज वगैरह करा है. लेट्स सी इट वर्क्स आउट और नॉट. एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वीडियो मैं 2 लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ. फर्स्ट इज फासला समथिंग, उन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था दैट शी वांट्स दैट मेसी पेशेंस चैलेंज. तो मेसी पेशेंस चैलेंज एक्चुअली ना यार मेरे टाइप का नहीं है. लाइक आई एम फिगरिंग आउट कि मैं उसमें क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ या कुछ उसे कुछ क्रिएटिव बना सकती हूँ या नहीं. बट आई एम नॉट अ मेसी पर्सन, मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी बिल्कुल. तो वो मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल है. सो लेट्स सी मैं कुछ कर पाऊँ, उसे फिगर आउट कर पाऊँ. बट सॉरी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए. एंड सेकेंड इज पीपो आर्ट्स करके कोई है, उन्होंने मेरे शॉर्ट्स वगैरह पे कमेंट किया था एंड उनका कमेंट वॉज रियली रियली सो गुड. मतलब रियली थैंक यू यार, मतलब तुम्हारा कमेंट सच में बहुत प्यारा था. जब मैंने नोटिफिकेशन में पढ़ा आई वाज लाइक वाओ यार, कोई ऐसे मतलब आई हैव जस्ट स्टार्टेड और उसमें ऐसा कमेंट्स मिलना, रियली अप्रिशिएटेड यार, थैंक यू सो मच. ओके सो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो तुमने वैसे टाइटल में तो पढ़ी लिया होगा, इट्स मीशो हॉल. वैसे मैंने मीशो से काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई थी बट जब मैंने ट्राई ऑन वगैरह करी तो उसमें कुछ चीज़ें वॉज नॉट गुड एज आई एक्सपेक्टेड. तो मैंने वो रिटर्न कर दी और फिर मैं सोच रही थी कि मुझे तभी शूट कर लेना चाहिए था. बट फोटोज़ वगैरह हैं या फिर फोटोज़ नहीं भी है तो आई विल जस्ट यहाँ पे मैं फ़ोटो वगैरह डाल दूँगी कि मैंने क्या मंगाया था और मुझे उसमें क्या इशू आया. बाकी जो चीज़ें मेरे पास अभी हैं आई विल शो यू दैट फर्स्ट. ओके सो फर्स्ट वन मैंने ओवरसाइज्ड टीज मंगाई थी दो. एक तो है ये ब्राउन कलर की, लुक इस पे ये बने कोकोनट ट्रीज वगैरह कुछ तो प्रिंट है और ये ओवरसाइज ही मैंने पहन लिया है 2 बार तो. एंड ये काफ़ी अच्छी फिट हुई मुझे. मतलब पहले मैंने इसका वो क्या कहते हैं, पहले मैंने इसका एक्सेस मंगाया था जो मुझे थोड़ा सा टाइट था. मतलब जो उसकी ये चीज़ है ना, मतलब लग नहीं रही थी कि वो ओवर साइज है. तो फिर मैंने अपने एक साइज से बड़ा मंगाया दैट इज़ स्मॉल, तो अब ये स्मॉल है. और ये कॉटन फैब्रिक का है, ब्रीथेबल है, समर्स के लिए अप्रोप्रिएट है. तो यार तुम चेकआउट कर सकते हो इसको. सबके कोड्स वगैरह ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लिंक्स हो पाए तो लिंक्स डाल दूँगी, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. और ये मुझे पड़ी थी 201 की. ओके जो आज का हॉल है ना उसमें 250 के अंडर ही है. बस एक चीज़ नहीं है वो मैं तुम्हें दिखा दूँगी बट वो वर्थ इट है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग. सो ओके नेक्स्ट इज़ वाइट टी शर्ट, ये भी ओवरसाइज्ड है. इसको भी मैंने वैसे एक्सचेंज कराया था. सो दिस इज़ द शर्ट, ये काफ़ी अच्छी है. मतलब कॉटन स्टफ अच्छा होता है बट मुझे लाइक्रा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका फिट काफ़ी अच्छा आता है. मतलब हम ओवरसाइज चीज़ को मतलब बेसिकली आगे ना थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है, बट कॉटन में वो लाइनिंग्स वगैरह हल्की हल्की आती हैं बट लाइक्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, जॉर्जेट में होती है. सो या आई रियली लव्ड इट. ये मैंने अभी तक नहीं पहनी है तो जब भी मैं स्टाइल करूँगी तो मैं उसकी शॉर्ट्स वगैरह ज़रूर बनाऊँगी, तुम चेक करना तब. एंड ये मुझे पड़ी थी 203 की और ये भी एक्सेस है. हाँ वैसे मुझे एक्सेस ही आता है, इसमें मुझे एक्सेस बल्कि सही आया, उन्होंने अप्रोप्रिएट तरीके से दिया हुआ है. ओके सो नेक्स्ट वी हैव, जो मैं कह रही थी तुम्हें कि थोड़ा सा 250 से ज़्यादा ही है,
तो दिस इज द श्रग, ये मुझे सच में काफी अच्छा लगा था। मतलब एक होता है ना, तुम्हें देखकर ही कोई चीज पसंद आ जाती है, ये वो थी। इसके साथ साथ मुझे वैसे दो तीन श्रग्स और अच्छी लगी थी, बट उनमें से मुझे अगर चूज करना होता, मुझे अभी एक ही मंगानी थी तो मैंने ये वाली मंगाई, और ये मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। इसका प्रिंट अच्छा है, इसका स्टफ अच्छा है, ये जॉर्जेट है इसका स्टफ, एंड इसकी जो वर्किंग हुई है ना, यहाँ साइड में भी है और नीचे भी है, काफी अच्छी है। मतलब पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है, मैंने इसे एक बार पहना भी है। और इसको हम एज अ श्रग भी पहन सकते हैं, और एज अ लाइक श्रग वैसे नहीं होती जो तुम्हें आगे से टाई कर लेती हो, थोड़ा शर्टी लुक आता है, वो भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से पहनी थी। या ये मुझे पड़ी थी 484 की, बट ये अब कम हो गया है इसका प्राइस। एंड इन फैक्ट कल मीशो पे सेल है, 6 अक्टूबर की उनका मेगा सेल कुछ है, तो तुम इसको शायद अच्छी डील में ले सकते हो, सो यू कैन चेक इट आउट। और ये मैंने मंगाई थी एस में, ये मुझे लगा था कि एक्सेस शायद मुझे थोड़ा छोटा आएगा, तो मैंने इसे स्मॉल साइज में मंगा लिया था। एक मैंने मंगाई थी ब्लू वाइट प्रिंटेड कुर्ती पैंट्स, वो ये वाली है। एंड इसमें ना, मतलब मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्टफ अच्छा था इसका, एंड प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भी ठीक थी। 411 का था, 411 में क्या यार, मतलब तुम्हें कुर्ती भी मिल रही है और वो भी स्टाइलिश है, ये नहीं कि प्लेन कुर्ती है। एंड इन फैक्ट इसकी पैंट्स भी बहुत अच्छी थी, बट मुझे इसमें दिक्कत थी कि उसमें मैंने एक्सेस ही मंगाया था, बट मुझे एक्सेस बहुत लूज आ रहा था, और उसमें और छोटा कोई साइज था नहीं, तो इसलिए मुझे वो रिटर्न करना पड़ा। बट यू कैन चेक इट आउट, मैंने ये काफ़ी ट्रेंड में भी देखी है आजकल, एंड बैकग्राउंड नॉइस के लिए आई एम रियली सॉरी, इस टाइम पता नहीं क्यों ही इतने लोग आते हैं यार, क्यों। एक और चीज़ मंगाई थी मैंने, दैट इज कार्गो जॉगर्स ब्लैक कलर की, ये वाली, ये भी तुम्हें इसमें दिख जाएगी। इसका स्टफ मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड प्लस इसकी जो स्टिचिंग थी ना, जो साइड पॉकेट्स होती हैं कार्गो की, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जब मैंने उसे पहनी, तो एक तो लग रहा था मैंने कुछ ज़्यादा ही भारी कपड़ा पहन लिया है, सीरियसली मुझे ऐसा लगा, बहुत ज़्यादा हैवी था वो कार्गो का वेट। एंड देन जो उनकी पॉकेट्स थी, उनकी स्टिचिंग ऐसी थी कि तुम्हारा ना साइड में ऐसे बल्की सा लग रहा था, पूरी लाइन, कैसे समझाऊँ, तुम्हारी जो जॉगर्स है, जहाँ तुम्हारी पॉकेट्स होती हैं, उसके ऊपर की जो लाइनिंग है तुम्हारी थाइस के पास, वो ऐसी लग रही थी कि बहुत ही मतलब बल्की सी है, समझ गए ना तुम, समझ जाओ, मतलब इट्स नॉट लुकिंग नाइस। और हाँ, लास्ट मैंने मंगाया था एक क्रॉप टॉप, उसका मतलब ये वाला ब्लैक एंड वाइट साथ में ही थे ये, और ये मुझे 221 के पड़े थे। कॉस्ट के हिसाब से मुझे लगा था काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं मुझे, बट इनके साथ जो मेरा पंगा हुआ है ना, मैंने सच में आज तक ऑनलाइन में मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। मैंने इन्हें एक बार रिटर्न कराया, क्योंकि वो मुझे एक्सेस में बहुत ज़्यादा टाइट थे, मतलब जो उनकी ये चीज़ होती है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने फिर उन्हें रिटर्न कराया। और दो साइज़ बड़े मंगाए, मतलब मैंने एक्सेस मंगाया था, मैं एक्साइज क्यों बोल रही हूँ, एक्सेस मंगाया था, तो मैंने फिर उसका मीडियम मंगाया। फिर रिटर्न होके जब वो आया मेरे पास, तो वाइट वाला तो आ गया, तो उन्होंने स्मॉल भेज दिया, एंड ब्लैक वाला उन्होंने लार्ज भेज दिया, मतलब दोनों के साइज ही अलग अलग, कोई भी परफेक्ट नहीं था। बट मैंने स्टिल एक बार पहन के देखा, वाइट वाला भी मुझे फिर टाइट था, क्योंकि वो एस ही था, तो फिर वेस, एंड ब्लैक वाला मुझे काफ़ी लूज था, तो उसमें ऑप्शन नहीं था उसके बाद रिटर्न कराने का, और मैं चाहती भी नहीं थी कि मतलब मतलब सॉरी, उसमें ऑप्शन नहीं था एक्सचेंज कराने का, और मैं चाहती भी नहीं थी उसे एक्सचेंज कराना, मैंने उसे रिटर्न ही कर दिया। एंड लास्ट चीज़ जो मैंने मंगाई थी, दैट इज़ फ्लैट्स, वो मैंने बेसिकली एथनिक के लिए ही मंगाई थी, और मैंने उन्हें बहुत बार पहना भी है, मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गई थी।
बट जब मैंने मतलब वो मेरे पास डिलीवर हुई तो मैंने देखा था कि मतलब क्वालिटी इज़ नॉट सो गुड. पता था मुझे कि ज़्यादा नहीं चलेगी, बट मैंने स्टिल रिटर्न नहीं करी ना एक्सचेंज करी, क्योंकि मुझे लगा लेट्स सी क्या पता चल जाए. सो दिस इज़ दी जूती, ओ सॉरी नॉट जूती, फ्लैट्स. आज कुछ सारी गलतियाँ हो रही हैं. लुक, लेट मी फोकस. ये छन छन भी करती हैं. सो काफ़ी टाइम तो ये बहुत अच्छी चली, बट इनके एक राइट वाली के साथ एक दिक्कत हो गई कि जो इसकी ये चीज़ है ना, लाइक जिसकी ये चीज़ है ये उतर गई थी. लाइक मेट्रो में थी मैं और काफ़ी भीड़ थी, तो कोई मेरे पैर पे चढ़ गया था, पता नहीं क्या हुआ था लाइक. तो फिर वो उतर गई थी, और जब मैंने उसे फेविक्विक से सोचा कि चल जोड़ लेती हूँ, बट वो अब मुझे चुभ रही है, वो मतलब पहन नहीं सकते आप ढंग से. तो थोड़ा सा वेस्ट ऑफ मनी हो गया है, बट ठीक है. तो ये मुझे आई थी 200 में, और इसका पूरा स्टफ ना वेलवेट का है, तो इसकी जो लेयर है नीचे की फ्लैट है वो काफ़ी पतली है. तो मतलब तुम उसे जज कर सकते हो कि ऐसे ही यह ज़्यादा नहीं चलेगी. तो तुम अगर कहीं नॉर्मली पहनना चाहो थोड़ी देर के लिए तो ट्राई कर सकते हो, बट मैं नहीं कहूँगी कि इस पे इन्वेस्ट करो. कहीं अच्छी जगह मिल रही है और थोड़ी सी अच्छे प्राइस में, अफोर्डेबल. स्टॉप इट, तो तुम ले सकते हो, वरना तो यहाँ से देख लो, इट्स योर विश. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. एंड अच्छा, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि मैं सोच रही थी कि मैं एक सरोजनी चैलेंज करूं, तो तुम मुझे बताओ कि मैं कितने का चैलेंज करूं. 500 का, 1000 का, और तो थोड़ा कम करना है तो मैं 500 से, वो भी बता दो. तो गाइज 1 मिनट. या सो हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ कि तुम मुझे बताना, कमेंट वगैरह कर देना कि कितने पे बनाऊँ, व्हाट यू वांट टू सी कितने पे. सो या दैट्स इट. एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट्स करो अपने सजेशंस या फिर अपने रिव्यूज, जो भी तुम देखना चाहते हो, या जो भी चीज़ मेरी अच्छी नहीं लग रही तुम्हें, या फिर व्हाट यू एक्सपेक्ट मी टू डू फॉर यू. एंड या दैट्स इट. वीडियोज अब कंटिन्यू आएंगी. सो या बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.